भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी 30 अगस्त को पूरी श्रद्धा भाव एवं धूमधाम के साथ मनाई जाएगी, जिसके लिए मोहाली शहर में स्थित विभिन्न मंदिरों में साज सजावट का कार्य शुरू कर दिया गया है। मंदिरों में साफ सफाई और सैनिटाइजिंग का भी कार्य किया जा रहा है। आइए हम आपको मिलाते हैं सेक्टर 66 के श्री शिव शक्ति मंदिर के प्रधान सुरेंद्र सिंह रावत का कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं और जो कल शोभा यात्रा निकाली जा रही है, यात्रा का रूट क्या होगा, झांकियां कैसी होंगी, हम आपको मिलाते हैं शिव शक्ति। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए, अपना नाम क्या है और श्री कृष्ण जन्माष्टमी जो आ रही है उसको लेकर किस तरह की तैयारी की जा रही है आप लोगों की तरफ से, उसके बारे में बताइए। ऐसे सर, हम पिछले 10 साल से, मेरा नाम सुरेंद्र सिंह रावत है, मैं मंदिर का प्रधान हूँ और हम पिछले 10 साल से मंदिर हमारा बना है और हम जन्माष्टमी बड़े श्रद्धा से मनाते हैं। लोग रात को 1000 से बंदा यहाँ इकट्ठा होता है, उसके लिए हमारी तैयारी है और हमारा जो नगर कीर्तन के लिए उसके लिए भी लेडीज जा रही हैं, 2 ट्रक हमारे भर के जा रहे हैं यहाँ से, और उसके बाद हमारा लोकल वो है, लोकल भी नगर कीर्तन निकलना है, वो भी परसों है, और उसके बाद जो हमारा प्रोग्राम है 30 तारीख का, वो पूरे हर्ष और उल्लास से किया जा रहा है और पूरा अरेंजमेंट किया हुआ है हमने और कोई किसी तरह की वो नहीं है। कल जो सर शोभा यात्रा निकल रही है जन्माष्टमी के उपलक्ष पर, वो किस तरह से होगी, कहाँ का रूट होगा, कैसे और कहाँ कहाँ से होकर गुजरेगी? जन्माष्टमी हम 66 सेक्टर से यहाँ से चलेंगे, 11 फेज जाएंगे, 11 फेज से हम जो नगर कीर्तन हमारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ कमेटीज है अपने मोहाली की, वो हमें आगे फिर एक नगर कीर्तन में लेके 6 फेज तक जाते हैं, तो वहाँ जाके हमारा जो है 6 फेज जाके हमारा ख़त्म होता है और ये कीर्तन 1 बजे से स्टार्ट होना है, शाम को 6 बजे जाके ख़त्म होना है। जैसे आप कह रहे हो 30 तारीख को जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर, जन्माष्टमी उस दिन है, तो उस दिन कार्यक्रम मंदिर में किस तरह का होता है, क्या टाइम होता है, क्या कोई और बाहर से गायक आते हैं या किस तरह के आप लोग करते हो? जिस दिन जन्माष्टमी होती है उसके लिए हमने 2-3 मंडलियां अरेंजमेंट किया हुआ है, उनको 1-1 घंटे का टाइम दिया हुआ है और वो अपने भजन कीर्तन करते हैं, 9 बजे से स्टार्ट हो जाएगा और रात को 2 बजे तक चलता है प्रोग्राम, संगत आती है, मत्था टेकती है, प्रसाद लेके अपने घर जाते हैं और बहुत पब्लिक आती है, 1000 से ज़्यादा पब्लिक हमारे उस दिन मंदिर शाम को आती है। हमने देखा है कि मंदिर में साफ सफाई तो वैसे रोजाना होती है लेकिन आप सजावट चल रही है, तो सजावट किस तरह की है? सजावट सर हमारी जो मंदिर की है, पिछले 3 दिन से हम साफ सफाई कर रहे हैं, इसको धोया गया, दूध से धोया गया, गंगा जल से धोया गया, जितने भी हमारे मंदिर हैं उनको हमने नला धुला के कपड़े सब प्रभु के हमने चेंज कर दिए हैं और जो फूलों की डेकोरेशन है वो 1 दिन पहले हो जाएगी 29 तारीख को और बाकी जो कार्यक्रम है वो 29 और 30 को ही होंगे सारे। इस शोभा यात्रा में क्या कुछ झांकियां भी देखने को मिलेगी, संगतों को कुछ ऐसी चीज मिलेगी? हमारी जो हमारी लेडी जो कीर्तन मंडली की जो लेडीज हैं वो झांकियां भी तैयार करती हैं, 30 तारीख के लिए भी करती हैं और जो नगर कीर्तन निकलना है उसके लिए भी करती हैं, उसका भी सारा बंदोबस्त किया हुआ हम लोगों ने। जो संगत है उसे क्या अपील करना चाहोगे इस त्यौहार को, क्योंकि कोरोना महामारी भी चल रही है, तो उसको लेकर किस तरह मतलब सावधानी बात की जाए या अपील क्या करना चाहोगे? अपील तो यही है कि खुशी खुशी सारे मंदिर आए, मत्था टेकें, प्रभु का आशीर्वाद लें और जो भी आप लोग मनोकामना होती है उनकी पूरियाँ होती हैं और पीसफुली इस बार उम्मीद है कि पिछले 1 साल से हम मना रही रहे हैं, इस बार उम्मीद ये है कि थोड़ा कोरोना की वजह से मौसम ठीक है और पब्लिक आएगी और प्रभु को आशीर्वाद लेंगे। सैनिटाइजर का सब अरेंजमेंट किया हुआ है और मास्क हम सबके लिए कंपलसरी कर रहे हैं।